हाय फूडीज, कैसे हैं आप? कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की पारंपरिक रोटी बाजरे की रोटी बनाएंगे, जो हमारे उत्तर भारत में भी बहुत शौक से लोग खाते हैं और ये बहुत फाइबरस होती है, बहुत सी चीजों में हमें फायदा करती है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है और हमारी पाचन क्रिया को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं बाजरे की रोटी बनाना। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमने 1 कप बाजरे का आटा लिया है। इसमें आराम से 4 से 5 रोटी बन जाएगी हमारी। और ये आटा हम एक साथ नहीं मारेंगे, थोड़ा सा ही मारेंगे, जितनी एक बार में हमें रोटी बनानी होगी। और इसको हम तेज गरम पानी से मारेंगे। ये हमने पानी गरम करके रखा हुआ था और इसको हथेली की सहायता से हम रगड़ के मारेंगे। तो इससे हमारी रोटी बहुत चिकनी और बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आटा थोड़ा सूखा होता है और अगर हम मार के रख देंगे तो ये गीला होने लग जाएगा। इसलिए एक बार में एक दो रोटी का जैसे मैं बनानी है तो दो रोटी का ही हम आटा मारेंगे। उसको खूब रगड़ के हम मारेंगे हाथ से। इसको खूब अच्छे से हम चिकना कर लेंगे। देखिए, हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। हमें इतना ही सॉफ्ट आटा बनाना है। देखिए, अब हमारा आटा मर गया। इसको आटे को हम रखेंगे नहीं और तुरंत इसकी हम रोटी बनाएंगे। हम इसकी लोई बना लेंगे और इसमें सूखा बाजरे का ही आटा हम लगाएंगे और इसको हम हाथ से बेलेंगे, बेलन से नहीं बेलेंगे, प्यार से इसको थपथपा के बेलेंगे, नहीं तो हमारी रोटी इतनी नहीं बनेगी और टूट जाएगी बेलने में। देखिए, इसके एजेस बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं, बहुत ही चिकनी हमारी रोटी बन के तैयार हो रही है। तवा हमने पहले चढ़ा दिया, इसको धीमी आंच पे ही हम सेकेंगे और तवे पे डाल देते हैं। अब हम दूसरी रोटी भी बेल के इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमारा तवा बड़ा है तो एक बार में हम 2 रोटी सेक लेंगे। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमें सेकना है और हल्के हाथ से इसको हम पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। अभी ये कच्ची है, अभी इसको नहीं पलटेंगे। देखिए, हमारी दूसरी तरफ से भी सिक गई है। अब इसको हम गैस पे फुलाएंगे। तो गैस से और रोटी की हाइट हमें 3 से 4 इंच ऊपर रखनी है। तो हमने वायर रखा है, उसके ऊपर एक चिमटा रखेंगे और फिर गैस को हम बिल्कुल सिम आंच पे खोल लेंगे। अब इस पे हम रोटी उठा के इस पे रख देंगे और उसको घुमाते हुए धीरे धीरे हम सेकेंगे। देखिए, हमारी रोटी फूलने लग गई है और ये बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करारी करारी नीचे से सिकेगी। इसको घुमा घुमा के हम सेक लेंगे। देखिए, कितनी अच्छी हमारी रोटी फूल के बनी है। देखिए, अब हमारी रोटी बिल्कुल तैयार है एक तरफ से। अब इसको हम उठाएंगे और इसके ऊपर हम देसी घी डालेंगे और हल्के हाथ से इसमें पोंछ देंगे, छेद करेंगे और फिर ऊपर से इसमें देसी घी डालेंगे और पलट दूसरी तरफ से भी हम गैस पे सेकेंगे। इससे हमारी रोटी बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी। इसको धीमी आंच पे ही हमें सेकना है। ये आंच से 3-4 इंच ऊपर ही हमने इसकी हाइट रखी है रोटी की। क्योंकि आटा थोड़ा सूखा होता है तो घी बहुत सोखता है, इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से घी और डाल देंगे। देखिए, घी में बबल्स आने लग गए अंदर, तो हमारी अंदर से भी रोटी बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी बनेगी।
देखिए कितनी बढ़िया हमारी क्रिस्पी रोटी बनके तैयार हो रही है। घी में भी अंदर से बबल्स आ रहे हैं। इसको गर्मा गर्म आप दाल है, लहसुन की तीखी चटनी है, गुड़ के साथ सर्व करिए। हमें तो गुड़ के साथ ये रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं गुड़ के साथ सर्व करूंगी। और बिल्कुल परफेक्ट तैयार है दोस्तों, हमारे बाजरे की रोटी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अगर हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनेगी। जैसे बाजरे के आटे को हमें गर्म पानी से ही माढ़ना है। जितनी रोटी एक बार में बनानी है उतना ही आटा माढ़ेंगे, पहले से माढ़ के नहीं रखेंगे। और रोटी बनाते समय मैं आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, उस पे ही हमें रोटी पकानी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आप हमको अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।